हे गाइस इट्स मी अंशु। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया क्योंकि आप लोगों का ना यहाँ पे जो सैमसंग की वन यूआई 4.0 है इसके बारे में मेरे से बहुत से यूज़र्स पूछ रहे थे और बहुत से यूज़र्स का पूछना था कि हमारे डिवाइस के अंदर ये जो वन यूआई 4.0 है कब तक देखने को मिलेगी, क्या क्या चांसेस एंड बाकी सब चीज़ें। तो आज की वीडियो में आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ थैंक्स टू सैमी फैंस फॉर पोस्टिंग दिस न्यू पोस्ट अबाउट दी वन यूआई 4.0। करते हैं हम लोग वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं आप लोगों का पूरा आंसर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ना यहाँ पे गाइज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सारे के सारे डिवाइसेस की जो हमारे आते हैं सैमसंग के गैलेक्सी एम सीरीज़ के अंदर, एस सीरीज़ के अंदर एंड ए सीरीज़ के अंदर, और नोट सीरीज़ के डिवाइसेस की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे पता होगा रिसेंटली वन यू आई 3.1 बेस्ड आप लोगों को एंड वन यू आई 3.1 एंड्रॉयड 11 बेस्ड वन यू आई का सपोर्ट देखने को मिला है आप लोगों के बहुत सारे डिवाइसेस के अंदर, और अभी भी सैमसंग इसको रोल आउट करे जा रहा है। अब सैमसंग का ना यहाँ पे नेक्स्ट जो अचीवमेंट है वो होने वाला है फॉर दी वन यू आई 4.0। अब ये जो वन यू आई 4.0 है आप लोगों को पता होगा एंड्रॉयड 12 पे बेस होने वाली है। तो एंड्रॉयड 12 जो है वो आप लोगों को पता ही होगा काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होने वाला है इस बार का। एंड जो दिसंबर में आप लोगों को पता ही होगा कंपनी ने यहाँ पे सैमसंग ने ऑफिशियली लॉन्च करा था थर्ड जनरेशन ऑफ वन यू आई जो कि वन यू आई 3.0 था जो कि एंड्रॉयड 11 पे बेस था। तो यहाँ पे सब चीज़ें ये हैं। अब आप लोगों के डिवाइसेस में अगर वन यू आई 3.1 चल रही है अभी तो हाँ, पहले आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे ये ज़रूर से बताना कि आप लोगों के डिवाइसेस में कौन सा एंड्रॉयड वर्जन चल रहा है और कौन सी वन यू आई का वर्जन चल रहा है ना। तो आप लोगों के डिवाइसेस में अगर वन यू आई 3.1 है तो आप लोगों को पता ही होगा वन यू आई 3.5 आएगी जो आप लोगों के वन यू आई 3.1 के अंदर बग्स हैं उनको फिक्स करेगी एंड आप लोगों को कुछ एडिशनल फीचर्स देगी जो कि आप लोगों के वन यू आई 3.1 में अभी मिसिंग चल रहे हैं। तो यहाँ पे अब ना यहाँ पे ये बातें पूरी यहाँ ख़त्म हो गई। अब S20 सीरीज़ और S21 सीरीज़ यहाँ पे ये पहली डिवाइसेस होने वाले हैं जिनको आप लोगों को वन यू आई 3.5 का अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेगा। अब वन यू आई 4.0 पे भी चलेंगे पर पहले थोड़ा बात करते हैं वन यू आई 3.0 की। अब आप लोगों को पता है आप लोगों का जो वन यू आई 3.5 अपडेट है ये आप लोगों का एंड्रॉयड 11 बेस था और बेस होने वाला है, एंड इसी के ऊपर जो आप लोगों की गैलेक्सी फोल्ड सीरीज़, नोट सीरीज़ और एस सीरीज़ हैं इन सारे डिवाइसेस के अंदर देखने को मिलेगा। ये एक मेजर बग फिक्स होगा जो कि आप लोगों के डिवाइसेस में देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे गूगल के एंड्रॉयड 12 के स्केड्यूल की। तो गूगल का जो एंड्रॉयड 12 का स्केड्यूल है उसका डेवलपर प्रीव्यू है ना जो पिक्सल डिवाइसेस के लिए वो आप लोगों को 19th ऑफ फरवरी 2021 में देखने को मिल चुका है फर्स्ट डेवलपर प्रीव्यू। अब आप लोगों को एट द सेम टाइम OEM पब्लिश स्केड्यूल हो चुका है जो कि सारे कंपनीज़ को दे दिया गया था, जिसके बाद जो हमारी थर्ड पार्टी ब्रांड्स हैं लाइक सैमसंग, ओप्पो, वीवो, सैम एंड साउमी, इसी टाइप की जो कंपनी है ये सारी अपना OEM लेके स्टार्ट कर दी हैं वर्क करना। अब वर्क करना स्टार्ट हो चुका है एंड्रॉयड 12 पे, तो एंड्रॉयड 12 पे इनकी जो मेन बेस्ड स्किन होती है वो आएगी। अगर एंड्रॉयड 12 का बात करें इसके कुछ फीचर्स की तो आप लोगों को पता होगा डेवलपर प्रीव्यू ने यहाँ पे रिवील करा था कि इसके अंदर आप लोगों को न्यू यूज़र इंटरफेस आएगा, न्यू गेम पैड वाइब्रेशन सेटिंग आएगी और रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क मोड आएगा, वाईफाई पासवर्ड शेयरिंग थ्रू नियर बाय शेयर आ जाएगा एंड ऐप हाइब्रेशन एंड मोर, है ना, कुछ इस टाइप के फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को पता है वन यू आई 3.0 के अंदर वो सारे फीचर्स थे जो कि आप लोगों को एंड्रॉयड 11 के अंदर देखने को मिलते थे। तो मोस्ट प्रोबेबली सेम चीज़ होने वाली है विद वन यू आई 4.0। जो वन यू आई का फोर्थ वर्जन होगा वो भी एकदम एक्यूरेटली वर्क करेगा ऑन दी एंड्रॉयड 12। एंड्रॉयड 12 के सारे फीचर्स उसके अंदर इंटीग्रेट होंगे एंड वो अच्छे से एकदम वर्क करेगा। अब आप लोगों को यहाँ पे वन यू आई 4.0 की बात करें, अगर व्हाट अबाउट दी वन यू आई 4.0, हाउ अबाउट द इंटरेशन ऑफ वन यू आई हैज़ बीन बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 12। सही बात है, अब ये जो आप लोगों का वन यू आई 4.0 है ना वो रोल आउट अराउंड देखने को मिलेगा, अनाउंसमेंट होगी, है ना, अनाउंसमेंट होगी फिर उसके बाद रोल आउट होगा। तो अनाउंसमेंट आप लोग मान के चलो करीब करीब आप लोगों को देखने को मिल जाएगा सेप्टेम्बर अक्टूबर के बीच में इसी साल आप लोगों को अगर अनाउंसमेंट होगा। तो रिलीज़ डेट की बात करें तो आप लोगों का यहाँ पे जो गूगल पिक्सल डिवाइसेस एंड्रॉयड 12 उसके साथ रिलीज़ हो जाएगा। देन इसके बाद जो वन यू आई 4.0 का बीटा प्रोग्राम है फॉर डेवलपर बीसाइड्स वो स्टार्ट होगा गैलेक्सी S21 फ्लैगशिप सीरीज़ के साथ,
देन आप लोगों की जो फ्लैगशिप सीरीज है सैमसंग की उसके अंदर आ जाएगा, देन आप लोगों का ए सीरीज़ के अंदर आएगा, देन आप लोगों का एम सीरीज़ के अंदर आएगा। एम सीरीज़ यूज़र्स आप लोगों को अभी काफ़ी वेट करना है, और ए सीरीज़ यूज़र्स को भी। अगर आप लोग कोई भी एस सीरीज़ का डिवाइस यूज़ करते हो तो आप लोगों को काफ़ी जल्दी देखने को मिलेगा अपडेट, बट ए सीरीज़ और एम सीरीज़ यूज़र्स को थोड़ा सा यहाँ पे अभी भी वेट करना पड़ेगा। अब अगर हम लोग बात करें वन यू आई 4.0 के फीचर्स की, तो ये जो आप लोगों का डिवाइस है ना, ये आप लोगों का वन यू आई 4.0, ये आप लोगों के साथ देखने को मिलेगा एक इमर्सिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टर्म्स के साथ, और इसी के बाद आप लोगों को ना थोड़ा सा न्यू ऑप्टिमाइज्ड यूज़र एक्सपीरियंस ज़रूर से देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें प्रीवियस जनरेशंस की, और यहाँ पे ना कुछ फीचर्स हैं जो कि आप लोगों को काफ़ी जल्दी रिवील होने वाले हैं। अब अगर हम लोग बात करें एलिजिबल डिवाइसेस की एंड लिस्ट की, तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा नोट 20 सीरीज़ के साथ रिसेंटली अभी आप लोगों को गैलेक्सी अनपैक 2020 देखने को मिला था, जिसके अंदर सैमसंग ने नोट 20 सीरीज़ को पुश करा था, और उसी के साथ साथ बोला था कि हम लोग 3 ईयर्स का मेजर एंड्रॉयड अपडेट देंगे गारंटीड फॉर देयर फ्लैगशिप फ़ोन्स, है ना, ए सीरीज़ के साथ साथ। तो अब यहाँ पे सैमसंग की बात आए, तो यहाँ पे सैमसंग का ना गैलेक्सी Z Fold 2, सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 5G, Z Flip 5G, सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड एंड सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 5G, फोल्ड सीरीज़ और Z सीरीज़ के अंदर ये डिवाइसेस आएंगे। S सीरीज़ की अगर हम लोग बात करें, तो S21 सीरीज़ पूरी होने वाली है, जिसके अंदर आप लोगों को अपडेट देखने को मिलेगा, देन S21 Plus, और आप लोगों का S20 सीरीज़ भी है। S21 S20 सीरीज़ दोनों सीरीज़ है, जिसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा सारे रीजन के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पहले अमेरिका के मिलेगा फिर आप लोगों को इंडिया में मिलेगा, नहीं, सारे रीजन के अंदर आप लोगों को सेम टाइम पर अपडेट देखने को मिलेगा। अब बात करें हम लोग यहाँ पे जो अभी आप लोगों का S10 सीरीज़ है, तो S10 सीरीज़ लास्ट होगी। S सीरीज़ भी अब यहाँ पे इस बार सारे डिवाइसेस किल हो चुके हैं, अब लास्ट बच रही है S10 सीरीज़ है। S10 सीरीज़ के अंदर आप लोगों का S10, S10 प्लस, S10e, S10 लाइट, ये सारे डिवाइसेस को देखने को मिल जाएगा। S10 5G में भी आएगा, है ना। तो S सीरीज़ के यहाँ पे जो प्रीवियस डिवाइसेस हैं लाइक S9, S8, ये किल हो चुके हैं, अब इस साल इनको One UI 4.0 अपडेट देखने को नहीं मिलने वाला है। अब हम लोग थोड़ा सा और आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं गैलेक्सी नोट सीरीज़ की। तो यहाँ पे आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा और मतलब नोट 20 सीरीज़ भी यहाँ पे पूरी कंफर्म है, और सैमसंग का भी जो हमारा नोट 21 आने वाला है उसके अंदर भी आप लोगों को अपडेट मिलेगा, एंड आप लोगों का नोट 10 सीरीज़ इसमें भी सेम एस सीरीज़ की तरह है, जो प्रीवियस सीरीज़ थी सबको किल कर दिया गया है। और टैब सीरीज़ की अगर हम लोग बात करें, तो टैब सीरीज़ में S7 सीरीज़ है एंड S6 सीरीज़, इसमें भी S5 और बाकी सीरीज़ को किल कर दिया गया है। और यहीं पे अगर हम लोग बात करें सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज़ की, तो इसमें A71, A71 5G, A51, A90, A32, A52, A72, ये डिवाइसेज हैं जिनको आप लोगों को अपडेट देखने को मिलेगा। अब बात करें सैमसंग की गैलेक्सी M सीरीज़ की, तो M सीरीज़ में यहाँ पे 2 डिवाइसेस लिखे हैं, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सैमसंग गैलेक्सी M12, M62 ये डिवाइसेस लिखे हुए हैं, बट नहीं, ये यहाँ पे थोड़ा M सीरीज़ के अंदर यहाँ पे इनको सैमी फैंस वालों को थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि सैमसंग का गैलेक्सी M31, M31S, M51 एंड आप लोगों का M21 एंड यहाँ पे बहुत सारे सैमसंग के जितने भी M सीरीज़ के डिवाइसेस हैं सारे कन्फर्म्ड है कि उनके अंदर भी देखने को मिलेगा, है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे ये बात हो गई कन्फर्म। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी हो आप लोगों के One UI 4.0 बेस Android 12 अपडेट की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लोग एक लाइक ज़रूर से कर सकते हो, एंड मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सी यू ऑल गाइस इन अ वेरी नेक्स्ट वीडियो।